हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही लाजवाब पालक पनीर बनाने की रेसिपी। पालक पनीर एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ही खाना पसंद करते हैं और बहुत सिंपल इजी सी ये रेसिपी है जो बहुत ही टेस्टी बनकर आती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, घर पर ही आसानी से। तो आज शेयर करूँगी आपके साथ ये रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल जाएं अपलोड करते ही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए यहाँ पर पालक लिया है 2 बंडल, जिसके पत्ते मैंने अलग कर लिए, उसको अच्छे से 2-3 बार धो के तैयार कर लिया है। 4-5 कप मैंने पानी को गर्म कर लिया है, जिसके अंदर अब डाल देंगे पहले नमक और उसके बाद बस ये पालक डाल के हमें ब्लांच करना है। मतलब कि हमें इसे बहुत देर तक उबालना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको गर्म पानी में इसी तरीके से उबलने देंगे और उसके बाद इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल लेंगे, जिससे कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो बस ये देखिए, इस तरीके से इसको आप गर्म, बिल्कुल उबलता हुआ पानी था ये। गैस का फ्लेम आप चाहे तो इस टाइम बंद कर दें और उसके बाद बस इसको 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट आप इस तरीके से छोड़ दें और उसके बाद इसको निकाल लें और बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर में आप इसको डाल दें इस तरीके से। तो पालक का कलर रिटेन करने का ये एक मेथड है। और बस अब इसको पानी को थोड़ा सा निचोड़कर, बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी ना ले, और बस इसको ब्लेंडर जार में डाल दें और इसको अच्छे से एक पालक की हम प्योरे बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम्स पनीर, जिसको आप कोई भी शेप और साइज में काट सकते हैं। तो ये मैंने पनीर काट कर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करा है, जिसमें डाला है 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा जिसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें ज़ीरा। हल्का सा इसको भूनने के बाद 1 फाइनली डाइस की हुई प्याज, और बस प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे हम। और उसके बाद जैसे ये लाइट गोल्डन हो गई है, इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेते हैं। और अब आंच को कर देंगे हम धीमा और इसके अंदर डालेंगे, पहले तो हरी मिर्च डाल देते हैं और उसके बाद मसाले डालेंगे, इसलिए लो फ्लेम करके ही डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया और 1/2 चम्मच हल्दी। धीमी आंच करके मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पनीर के क्यूब्स और हल्का सा पनीर को भून लेंगे इस मसाले में। तो इस तरीके से जो हमारा पनीर है वो एकदम कच्चा भी नहीं रहता है, क्योंकि हमने मसाले के साथ पनीर को भून लिया है। अगर आपको ये लगे कि पनीर फ्राई क्यों नहीं हुआ है इस रेसिपी में, तो 1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे बटर। अगर आपको पनीर बिल्कुल रॉ पसंद है तो आप पनीर को पालक जो प्योरे है उसको पकाने के बाद एंड में भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम जो पालक का प्योरे है और अच्छे से ये जो हमने मसाला बनाया है उसके साथ इसको मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि हल्का सा इसमें ऑयल जो है वो हल्का साइज पर नज़र नहीं आने लग जाता। अभी आप देख सकते हैं पालक देखने में ही बिल्कुल कच्चा नज़र आ रहा है, तो इसका बिल्कुल ये रॉ ग्रीन कलर भी पालक पनीर का पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। थोड़ा सा जो पका हुआ पालक होता है उसका हल्का सा सटल ग्रीन कलर होता है, जो आपको भी पता चलेगा। ये देखिए, तो ये काफ़ी थिक हो गया है हमारा पालक जो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हल्का सा पानी डाल दें आप, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें इसमें, बिल्कुल कम पानी का इस्तेमाल करके बनाएं, नहीं तो ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी कम हो जाएगा आपका। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल दी है मैंने कुकिंग क्रीम और इसको अब हम कुकिंग क्रीम के साथ पकाएंगे धीमी आँच पर करीब 4-5 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसको पकाते जा रही हूँ उसकी ग्रेवी फिर से थिक हो गई है।
और क्रीम का जो वाइटिश कलर आ गया था इसमें, अगर आप इसको पकाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका वापस से ग्रीन कलर आता जाएगा जैसे ही इसमें से ऑयल जो हल्का सा अलग होता जाएगा। बीच में मैंने थोड़ा सा बटर इसमें और ऐड कर दिया, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसमें बटर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून डाल दिया है मैंने गरम मसाला और ये देखिए ये हमारा डिलिशियस पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो ये देखिए हल्का हल्का सा ऑयल इसमें नज़र आ रहा है, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको कर दिया है सर्व हल्के से बटर के साथ। आप चाहें तो ऊपर से कुकिंग क्रीम भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी है ये डिलिशियस पालक पनीर, इसको आप इंजॉय करें किसी भी तरीके के नान के साथ, बटर नान, गार्लिक नान, जिसके साथ इसका अमेजिंग कॉम्बिनेशन है और बहुत ही डिलिशियस लगता है ये नान के साथ। लेकिन आप इसको रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बनाइए ये रेसिपी और ज़रूर से बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये पालक पनीर की रेसिपी अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।